आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस अमावस्या ध्यान में। हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश जहां पे साल के 365 दिन त्यौहार मनाए जाते हैं, पर आप और मैं हर त्यौहार को जानते नहीं हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने दो दिन हर महीने में निकाले। अगर उन दिनों का हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी आत्मा की ओर प्रगति करते हैं। वो दो दिन हैं पूर्णिमा और अमावस्या। तो पूर्णिमा वो समय होता है जब चांद अपनी पूरी सुंदरता में, एक गोल आकार में, संपूर्ण स्वरूप में हमें आसमान में दिखाई देता है, और अमावस्या वो जब चांद बिल्कुल ज़ीरो, या जिसे हम न्यू मून या नो मून भी कहते हैं, मार्गशीर्ष का महीना, जिसे हम अपने हिंदू कैलेंडर में या भारतीय कैलेंडर में इसको नौवां महीना मानते हैं। नौ का अपना ही एक महत्व है, जैसे गिनती एक से नौ तक चलती है और फिर दस पर पहुंच जाती है। दस अर्थात एक और शून्य, इन दोनों का मिश्रण भी एक बनता है, तो नौ अर्थात अंत का। जैसे एक किसान जब खेत में फसल को काटता है और फिर उसे नई फसल को उगाने के लिए तैयार करता है, ठीक वैसा ही हमारा नौवां महीना होता है। नौ जब हम अपने एक चक्र को खत्म करके अब एक नए चक्र की शुरुआत करते हैं। नौ महीने में बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, तो ये है हमारे नौ अंक की महत्वता। नौ अर्थात एक को खत्म कर नए चक्र को चलाना। तो हमें इस मार्गशीर्ष अमावस्या में अपने एक चक्र को खत्म करते हुए नए चक्र को शुरू करना है, जीवन के नए प्रोजेक्ट्स, नए प्लान को शुरू करना है, नए वर्ष का स्वागत करना है। वो तभी होगा जब हम अपने आप को अपनी ऊर्जा में भी तैयार करेंगे, अपना खुद का शुद्धिकरण करेंगे, और ध्यान इसका सबसे अच्छा मार्ग है, खुद को शुद्ध करने का, खुद को खुद के समीप लेकर जाने का। तो देर किस बात की, आइए मैं और आप मिलकर इस ध्यान में जुड़ते हैं। तो आप सब एक सुखासन में बैठ जाइए, अपने पाँव को लॉक कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। खुद को आज के ध्यान के लिए तैयार करेंगे, उसके लिए तीन गहरी लंबी सांसें लेंगे, नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर फिर मुंह से बाहर जाने देंगे। अब अपना सारा ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों पर लाएंगे, अपनी सांसों के प्रति दृष्टा बनेंगे। आप अपनी सांसों के दृष्टा बनने के लिए आप अपने नाक की टिप पर बैठ सकते हैं या खुद को छाती के उतार चढ़ाव पर रख सकते हैं। जहां आपको सुविधा लगे आप वहां खुद को स्थिर कर सकते हैं और वहां से अपनी सांसों के साक्षी बन सकते हैं। आपकी सांसों के तीन पड़ाव हैं, अंदर आना, बाहर जाना
और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतराल। इन सब के साक्षी बने। अपनी सांसों से जोर जबरदस्ती ना करें। सांसें अगर गहरी हों तो उन्हें गहरा रहने दें, अगर छोटी हों तो उन्हें छोटा रहने दें। जिस प्राकृतिक स्वरूप में वो चल रही हैं, बह रही हैं, उन्हें वैसा ही बहने दें। अपनी प्राकृतिक सांसों के प्रति दृष्टा भाव रखें। उनके साक्षी बने। अगर विचार आ रहे हो तो उन विचारों को आने दें और जाने दें। याद रखें कि मैं मेरे विचार नहीं हूं, और उनसे वार्तालाप में ना उलझें, क्योंकि आप अपने विचार नहीं, आप साक्षी हैं। आप वो हैं जो आपके भीतर साक्षी तत्व है।
किसी भी विचार में उलझे ना, किसी भी विचार से बात ना करें, खुद को खाली होने दें, कुछ काम नहीं करना, केवल अपनी आती जाती सांसों के प्रति साक्षी बने, बस इतना ही। जहां कहीं भी आपको लगे कि आप अपने विचारों से बात कर रहे हैं, खुद को कोसिए ना और फिर से आप अपनी सांसों के प्रति दृष्टा बन जाए, बस कुछ नहीं करना।
जब हम अपनी सांसों के प्रति दृष्टा बनते हैं तो हमारा मन भी शांत होने लगता है। मन की उलझन सुलझन होने लगती है।
शरीर, मन दोनों ही अवस्थाओं में शांत और भीतर से जगे हुए अपनी सांसों के प्रति सजग, बस और कुछ नहीं, इतना ही। कोई कृत नहीं करना, कोई काम नहीं करना, केवल साक्षी रहना है अपनी सांसों के प्रति।
अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ बने रहें और खुद के भीतर उस शक्ति का विकास होने दें। कुछ नहीं करना, केवल सांसों के प्रति साक्षी भाव रखना है।
ध्यान मतलब कुछ ना करना, और जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से आपके भीतर घट रहा है उसके प्रति साक्षी बनना। अपने साक्षी तत्व के साथ बने रहे।
इस शून्यता की अवस्था में खुद को बना रहने दें, भीतर से पूरी तरह से जगे हुए और बाहर से स्थिर और शांत। आखिरी
3 मिनट। आखिरी 1 मिनट। Second, पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। एक गहरी सांस लेकर अपने हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। फिर धीरे धीरे हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे एक मुस्कान के साथ। तो दोस्तों, आज के ध्यान को पूरा करने के लिए आप सबको दिल से बधाई। आशा करते हैं
कि इस मार्गशीर्ष अमावस्या को ध्यान करके आपने खुद को ऊर्जावान बनाया होगा। आपके लिए यह मंगल कामना करते हैं कि इसी ऊर्जा को अब आप अपने जीवन में लेकर जाएं, वो काम करें जो आपके हित में हो और इस समाज के हित में हो। आपका मंगल हो।